अब बात यह बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको थोड़ा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि जो हमने तैयार किया है नोट, तो उसका एक, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3-4-5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए, जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या ये पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है, जब हमने अंदर भी कहा बाहर, उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछ रहे हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है, ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है, क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही, और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं, तो इसलिए बोलना ही पड़ता। क्या कारण है कि RBI, SEBI, ED, SPIO, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, CBI सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्थाएं क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना, जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे हैं देश में इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमको उन्होंने वहां पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहां पर बोलने की एक इजाजत नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहां पर एजिटेट हो गए और वहां पर डिमांड किया
कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना।